अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो इस करंट वीक में आपको वेलकम करते हैं। आप लोगों को फ्रीक्वेंटली काफ़ी सारी वीडियोस मिल चुकी हैं सर अमानुल्लाह खान साहब से, तो उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें आपने मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखी, ऑपरेशंस पर बात हुई और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स भी सर ने आप लोग को सिखाया। अभी इस वीडियो का ताल्लुक, इस रिकॉर्डेड लेक्चर का ताल्लुक इस बात से है कि एक इंफॉर्मेशन को आप कैसे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें। तो चैप्टर 6 में हम रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन एज अ मैट्रिक्स, और हम लास्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम इंफॉर्मेशन को किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें उसके बारे में बात करेंगे। और आप जैसा कि मुझे बात जानते हैं, मैं आप लोग का टीचर मोहम्मद शेख खान। तो आइए अपने काम की तरफ आगे हम मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने 6.1 से क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, तो हम इसको पढ़ते हैं और इस इंफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आई ड्रिंक्स स्टॉल सोल्ड 160 कप्स ऑफ कॉफी, 125 कप्स ऑफ टी एंड 210 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑन मंडे। तो मंडे वाले दिन एक स्टॉल जो है वो 160 कप्स ऑफ कॉफी सेल आउट कर रहा है, सेल आउट किया उसने 125 कप्स ऑफ टी और 210 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ऑन ट्यूसडे इट सोल्ड 145 कप्स ऑफ कॉफी, 130 कप्स ऑफ टी एंड 275 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। On Wednesday, it sold 120 cups of coffee, 155 cups of tea, and 325 glasses of soft drinks. Design a matrix to represent this information, labeling the rows and column, state the order of your matrix. Dear student, आपको ये बात पहले बताता चलूँ कि आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन हो और आप जब उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं हम हमेशा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। सम टाइम हो सकता है कि आपने जिसको रो में रखा हो, कोई और स्टूडेंट उसको कॉलम में रख रहा हो, तो प्रॉब्लम नहीं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम एप्लीकेशन प्रॉब्लम करें जिसमें मैट्रिक्स अलजेब्रा इस्तेमाल हो, मिसाल के तौर पर दो मैट्रिक्स की एडिशन हो रही हो, सब्ट्रैक्शन हो रही हो, मल्टीप्लीकेशन हो रही हो, तो आप उस मैट्रिक्स अलजेब्रा से जब कोई एप्लीकेशन प्रॉब्लम करेंगे, जैसा कि अभी हम इस वीडियो के आखिर में एक क्वेश्चन लेंगे ऐसा जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से हम एप्लीकेशन पर बात करेंगे, तो हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर रखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बेसिकली मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन मैट्रिक्स की एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अ मैट्रिक्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पसेस। इट लुक्स अ बिट लाइक अ टेबल इन विच द पोजिशन ऑफ ईच कॉलम इज इम्पॉर्टेंट। यू कैन नॉट मूव द एलिमेंट अराउंड विदाउट चेंजिंग द मैट्रिक्स। मैं चाहूंगा जो फर्स्ट सेंटेंस है आप इस पर एम्फेसाइज करें तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, बेसिकली मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे हम बहुत सारे अपने पर्पसेस हासिल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। तो डेटा आप लोग देख चुके हैं, तो इस डेटा को हमने एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है। तो आइए आपको लेके चलते हैं। देखिए हमने ये किया है कि जो जो हमारे ड्रिंक्स थे, मशरूब थे, उनको हमने कॉलम में रिप्रेजेंट किया, तो इसको आप कह सकते हैं कॉलम वेरिएबल है, और रो में हमने डेज के नाम लिखे हैं। तो अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, मंडे को 160 कप्स ऑफ कॉफी सेल आउट हुए थे, 125 कप चाय के और 210 ग्लास ड्रिंक्स के। सिमिलरली ट्यूजडे का डेटा है और वेंसडे का। अगर आपने नोट किया हो तो हमने जो क्वेश्चन देखा था उस क्वेश्चन में, अगर मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस रीड आउट करूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस आई ड्रिंक्स स्टॉल सोल्ड 160 कप्स ऑफ कॉफी, 125 कप्स ऑफ टी एंड 200 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑन मंडे। तो ये देखें, ये हमने
फर्स्ट रो में मंडे का डेटा रिप्रेजेंट किया है। तो आप देख सकते हैं 160, 125, 200। सिमिलरली हमने ट्यूसडे का डेटा रिप्रेजेंट किया और वेंसडे को। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि जी क्या हम टाइप्स ऑफ डे को रो में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और डेज को हम मंडे ट्यूसडे वेंसडे को कॉलम में बिल्कुल लिख सकते हैं, नॉर्मली आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक बात कही थी, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जब हम कोई अलजेब्रा करें तो उसके मुताबिक हम कन्वीनियंटली काम कर सकें। तो अभी जस्ट हमने इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना था, तो ये फॉर्म आपके पास जो देखते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, टाइम को रो वेरिएबल में रखते हैं, बट अगर सिर्फ एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है तो आप टाइम को कॉलम में भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन 4 जो है क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन 5 की तरफ। हम इस इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। अ ट्रेवल एजेंट सोल्ड 143 हॉलीडे पैकेजेस टू मलेशिया एंड 105 टू थाईलैंड फॉर द मंथ ऑफ जून। इन जुलाई ही सोल्ड 65 हॉलीडे पैकेजेस टू मलेशिया एंड 46 टू थाईलैंड। इन अगस्त ही सोल्ड 122 हॉलीडे पैकेजेस टू मलेशिया एंड 89 टू थाईलैंड। Design a matrix to represent this information, labeling the rows and columns. जिस तरह आपने देखा हमने previous question में rows और columns को label कर दिया था, state the order of your matrix. तो matrix का order आप जानते हैं कि एक matrix में number of rows बताना, number of columns बताना, वो उसका order होता है। तो जिस तरह से आप कह सकते हैं कि किसी चीज की कोई आइडेंटिटी होती है, तो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी या पहचान ये होती है कि आप उसका ऑर्डर क्या है, आपका वो इंफॉर्मेशन रोज और कॉलम में किस तरह से जाहिर हो रहा है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में हमने लास्ट पार्ट जो था वो क्वेश्चन का वो ये था कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ योर मैट्रिक्स। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपने देखा था तीन रोज और तीन कॉलम बने थे, तो क्वेश्चन 4 के लिए ऑर्डर जो था वो 3/3 था। तो उम्मीद है क्वेश्चन 5 को आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमने मैट्रिक्स को यहाँ पर इंफॉर्मेशन को इस मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया। एजेंट जून में जो पैकेजेस थे मलेशिया और थाईलैंड के ट्रैवलिंग के हिसाब से, वो आपके सामने 143 और 135 था। तो आप देख सकते हैं जून की इंफॉर्मेशन हमने फर्स्ट रो में रिप्रेजेंट की है, जुलाई में 65 पैकेजेस और फॉर मलेशिया एंड 46 पैकेजेस फॉर थाईलैंड। इन अगस्त ही सोल्ड 122 पैकेजेस ऑफ ट्रैवलिंग फॉर मलेशिया एंड 89 फॉर थाईलैंड। तो आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि जी इसका ऑर्डर क्या है, तो बिल्कुल ठीक आप लोगों ने देखा, इसमें तीन रोज हैं, तीन कॉलम है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3। तो एक चीज मैं फिर क्लियर कर दूं, और इवन मैं चाहूंगा, नॉर्मली मैं एक बात कर चुका हूं, कोई कहता है कि क्यों हम बार बार टाइम को रो पे ले रहे हैं, बिल्कुल आप कॉलम में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई इस तरह से लिखता कि अच्छा जी पहले वो मलेशिया को रो में दिखाना चाहता है, ठीक है, और थाईलैंड के जो डेटा है आपके पास उसको रो वेरिएबल के तौर पर दिखाना चाहता है, ठीक है जी। आपको पता है पैरेंथेसिस भी इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ कि जी हम यहाँ पर टाइम दिखा दें, यानी जून के मंथ का डेटा, ठीक है जी, जुलाई के मंथ का डेटा और अगस्त के मंथ का डेटा। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर एक मैट्रिक्स के इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है तो रो और कॉलम के लिए कोई फिक्स रूल आपके पास नहीं है। बट सम टाइम क्या होता है कि हम इस तरह से स्ट्रक्चर लगते हैं कि हमें जिस ऑपरेशन के इस्तेमाल से डिजायर रिजल्ट चाहिए हो, तो वो हम आसानी से हासिल कर लें। ओके जी, फॉर द मंथ ऑफ जून एजेंट ने मलेशिया के लिए 143 आपके पास जो पैकेजेस सेल आउट किए, और थाईलैंड के लिए 105। For the month of July, he sold 65 packages for Malaysia and 46 packages for Thailand. For the last month of data, which is August, he sold 122 packages for Malaysia and 89 packages for Thailand. अब फर्क ये पड़ा कि अगर मैं इसके हिसाब से ऑर्डर लिखूंगा, डेफिनेटली मेरा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर आप जरा ध्यान से देखें तो इस अकॉर्डिंग टू दिस इसका ऑर्डर 3/3। तो ये याद रखिए, मैट्रिक्स आप अपनी इंफॉर्मेशन को जब मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो
कोई उसमें फिक्स सिचुएशन नहीं है, मगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम उस तरह से स्ट्रक्चर में लिखते हैं कि हमारी जो डिजायर कंप्यूटेशन है वो हमें काम को आसान करे। इस बात को आप और ज्यादा बेहतर तरीके से अगले क्वेश्चन में समझेंगे। पढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन 6 की तरफ। द 4x3 मैट्रिक्स ऑन द स्ट्रेट शोज द प्राइसेस इन डॉलर्स ऑफ फ्रूट जूसेस पर ग्लास एट वेरियस स्टॉल। द रोज रिप्रेजेंट द फ्रूट जूसेस वाटरमेलन ऑरेंज पपाया एंड हनी डियर इन दैट ऑर्डर। द कॉलम्स रिप्रेजेंट द स्टॉल्स ए बी एंड सी इन दैट ऑर्डर। ओके, अकॉर्डिंग टू पार्ट ए, हाउ मच डज अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस कॉस्ट एट स्टॉल बी। ओके, एट विच ऑफ दीज थ्री स्टॉल इज अ ग्लास ऑफ पपाया चीपेस्ट। ओके, Then bow two glasses of honeydew juice and three glasses of watermelon juice from stall C. How much did she pay for them? तो हम इस मैट्रिक्स में जो इंफॉर्मेशन है इसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस या आस्किंग का हम आंसर देंगे। जी डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें मैट्रिक्स तो ऑलरेडी गिवन था, यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो ऑलरेडी एक मैट्रिक्स में प्रेजेंटेड थी। हमने ये किया कि रोज को लेबल कर दिए। अगर आप देखें तो रोज रिप्रेजेंट कर रहे थे टाइप ऑफ द फ्रूट जूसेस, जिसमें पहला टाइप था वाटरमेलन का, दूसरा ऑरेंज, तीसरा पपाया, चौथा हनीडी। और कॉलम में जो इंफॉर्मेशन थी वो स्टॉल्स की इंफॉर्मेशन थी कि स्टॉल्स ए बी एंड सी जो है इन स्टॉल्स पर इनकी क्या प्राइसेस है आपके पास। ठीक है जी, तो ऑलरेडी मैट्रिक्स में हमने जस्ट लेबलिंग की सो दैट आप इसको अंडरस्टैंड करें। तो अब हम क्या करते हैं कि पार्ट वाइज आस्किंग देखते हैं, उसको हम पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे फिर यहाँ पे आंसर रिप्रेजेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू पार्ट ए, हाउ मच डज अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस कॉस्ट एट स्टॉल। ऑरेंज जूस की क्या कॉस्ट है एट स्टॉल, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ऑलरेडी जो लेबल किया है उस पर चले जाते हैं। तो ऑरेंज जूस की कॉस्ट चेक करनी है एट स्टॉल पर। तो सिंपल तरीका का, अगर मैं कहूं कि जी हम ऑरेंज जूस तो मुझे इस रो पे जाना है और डेफिनेटली इस रो में ये तीन इसकी इंफॉर्मेशन है, और उसकी अगर आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट देखें तो आपको ऑरेंज जूस की कॉस्ट जो देखनी है वो एट स्टॉल बी देखनी है। तो इसका मतलब आप स्टॉल बी का जो कॉलम है उसको भी लाइन कर लें, और अगर जब आप देखें आपकी लाइन करेंगे तो ये दोनों ये पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पार्ट ए का जो आंसर है वो $1.8। तो अकॉर्डिंग टू आस्किंग ही इज आस्किंग इन पार्ट ए, हाउ मच डज अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस कॉस्ट एट स्टॉल बी। वी इंस्पेक्ट दिस मैट्रिक्स एंड वी फाउंड कि जी स्टॉल बी पर ऑरेंज जूस की जो कॉस्ट है वो $1.8। इसी तरीके से अगर मैं पार्ट बी पढ़ूं उसकी स्टेटमेंट, आप भी देख रहे हैं मेरे साथ उसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये है, एट विच ऑफ दीज थ्री स्टॉल इज अ ग्लास ऑफ पपाया चीपेस्ट। इन तीन स्टॉल्स पर वो कौन सा स्टॉल है जिस पर पपाया की चीपेस्ट कॉस्ट है उसके ग्लास सबसे सस्ता मिलता है। तो हम अपने उस लेबल वाले इंफॉर्मेशन पे चले जाते हैं। तो आपको सबसे पहले पपाया का ये मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जी ओके चलें काम करें इसके अकॉर्डिंग भी डेटा लें, तो हमें पहले पपाया पता है। ये हमारे पास पपाया की कॉस्ट का डेटा है एट ऑल स्टॉल। ये स्टॉल ए पर है, ये स्टॉल बी पर है, और ये स्टॉल सी पर है। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें चीपेस्ट पे जाना है, तो हम देख सकते हैं कि स्टॉल ए पर सबसे चीपेस्ट कॉस्ट है, तो पार्ट बी का आंसर होगा स्टॉल। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरे पार्ट में इसने कहा है, लिन बाउट टू ग्लासेस ऑफ हनीड्यू जूस एंड थ्री ग्लासेस ऑफ वाटरमेलन जूस फ्रॉम स्टॉल सी। हनीड्यू जूस के दो ग्लास उसने परचेज किए और तीन ग्लास वाटरमेलन जूस के परचेज किए। हाउ मच डिड शी पे फॉर देम। तो लिन ने जो ये परचेजिंग की है तो उसके लिए उसने कितनी कॉस्ट दी है वो हमें बताना। स्टूडेंट, तो हम स्टॉल सी पर जाएंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉल सी, तो इस रेक्टेंगल में मैंने स्टॉल सी को इनबॉक्स कर दिया। अच्छा, क्योंकि हम पार्ट सी के ऊपर काम करते हैं
तो स्टॉल सी पर से लिन ने 2 ग्लास हनी ड्यू जूस के बॉट के, तो हनी ड्यू जो आपके पास है उसकी कीमत को आप मार्क कर लें, ये देख सकते हैं उसकी कीमत है, उसकी 2 ग्लास परचेज की तो डेफिनेटली 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.20 प्लस प्लस इसलिए कर रहा हूँ फर्दर वो ऐड हो जाएगा 3 ग्लासेस ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन की प्राइस भी आपके सामने है 1.50, तो 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.50। अब सिंपलीफाई कर लें तो 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2.50 से, तो 2.20 से, तो आप देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट बनेगा वो 4.40। प्लस 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.50 से तो ये हो जाएगा 4.50। इन दोनों को जब आप ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 8.90, तो यानी लेन जो उसके लिए पे करेगी वो $8.90 हमारे पास। ओके स्टूडेंट, अब हम एक मजीद नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आप मैट्रिक्स अलजेब्रा से मुराद है कि आप तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या और जो मैट्रिक्स ऑपरेशन में आ रहे हैं उनसे आप अपने रिजल्ट को हासिल करें। तो अब क्वेश्चन 1 देखते हैं, ये मैंने बुक से पिक किया है। A company produces 4 types of central heating radiator known as types A, B, C, and D. A builder buys radiator for all the houses on a new street. There are 20 small houses, 30 medium-sized houses, and 15 large houses. A small house needs 3 radiators of type A, 2 of type B, and 2 of type C. A medium-sized house needs 2 radiators of type A, 3 of type C, and 3 of type D. A large house needs 1 radiator of type B, 6 of type C, and 3 of type D. The cost of the radiators are $30 for type A, $40 for type B, and $50 for type C, and $80 for type D. Using matrix multiplication twice, find the total cost to the builder of all the radiator for these streets. तो अगर आप जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम जो है, अगर मैं कहूँ कि क्या हम कॉस्ट का मैट्रिक्स बना सकते हैं, क्योंकि 4 टाइप की हमारे पास रेडिएटर से, तो जी बिल्कुल हम कॉस्ट का मैट्रिक्स बना सकते हैं, उसको हम सी का नाम दे देंगे। अगर आप इस पैराग्राफ को देखें तो इस पैराग्राफ से हमें कंसेप्शन पता लग रही है कि वो जो हमारे पास 3 आपके पास जो टाइप्स के हाउसेस हैं जिसमें स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज है, तो उस 3 टाइप्स के हाउसेस में ये जो 4 टाइप्स के रेडिएटर का यूज है ये उनका नंबर आपको बताया जा रहा है, तो इसका भी हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। और हम यहाँ पर तादाद, ये अगर आप इस सेंटेंस को देखें, देयर आर 20 स्मॉल हाउसेस, 30 मीडियम साइज हाउसेस एंड 15 लार्ज हाउसेस, तो आप देख सकते हैं इसका भी एक मैट्रिक्स बनेगा। तो अब हम इस तरह से इनको रखेंगे, क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि हम इसको इस तरह से इन इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर बनाएं कि जब हम डिजायर ऑपरेशन से अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को हासिल कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको सबसे पहले वो मैट्रिक्स बनाकर दिखाऊंगा जो हमें कॉस्ट के बारे में। देखें, ये ध्यान रखें, हम किसी भी इंफॉर्मेशन के मैट्रिक्स पहले या बाद में बना सकते हैं, वो मैटर नहीं, हमें बस ये देखना है कि जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उनका एक अपना मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। जैसे मिसाल के तौर पर कॉस्ट का एक अलग अपना मैट्रिक्स बनेगा, कैसे, 4 टाइप्स के हमारे पास रेडिएटर्स हैं और हर एक की कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ द रेडिएटर आर $4.30 फॉर टाइप ए, यानी टाइप ए का जो एक रेडिएटर है उसकी कॉस्ट $30 है, $40 फॉर टाइप बी, यानी टाइप बी का जो एक रेडिएटर है उसकी कॉस्ट है $40, $50 फॉर टाइप सी एंड $80 फॉर टाइप डी। तो हम इस इंफॉर्मेशन को अब मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं ये बेसिकली बुक से क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 हम इस पर बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट जो मैट्रिक्स है उसको मैंने सी से डिनोट किया है, अगर बेटर होगा हम सी के बजाय यहाँ पर ऐसे नियमों का इस्तेमाल करें जो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में ना मिलता हो, क्योंकि एक बात याद रखें, सिंबल डिफरेंट यूज होने चाहिए। तो आप देखें जो टाइप्स ऑफ भी हमारे पास रेडिएटर है उनको ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किया है,
अच्छा जी, इसी तरीके से अगर हम हाउस के टाइप देखें तो स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज है, ठीक है। तो बेटर होगा हम कुछ ऐसे सिंबल इस्तेमाल करें जिससे हम अपनी कॉस्ट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकें, अगर हम सिंबल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जी, अगर मैं सबसे पहले तो बता दूं कि ये सबसे पहले हमने कॉस्ट मैट्रिक्स बनाई है, और इस कॉस्ट मैट्रिक्स को आप देख सकते हैं मैंने लिखा है एक रो मैट्रिक्स की फॉर्म। अच्छा जी, इसको मैं एक्स का नाम दे देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि अच्छा जी इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर 1/4 है। अब अगर किसी को एतराज हो कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है, तो देखें हम जब एक हाउस के लिए रिजल्ट निकालेंगे कॉस्ट का, जिसमें एक सिंगल स्मॉल हो, एक मीडियम हो, एक लार्ज हो, तो हमारी जो अगली मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी आपके पास 4/3 है। तो इस वजह से इसको हमने 1/4 रखा। और पहली बात, आप पहले अपने मैट्रिक्स को बना लें, फिर देखेंगे किसी का स्ट्रक्चर चेंज करना है तो अकॉर्डिंगली आप नीड के मुताबिक कर सकते हैं। अब मैं मूव करूंगा जिसमें हमारे पास यूजेज के बारे में बात की जा रही है। अब मैं कहूँ कि अच्छा जी काम करें कि ये जो है आपके पास, इससे भी तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें हमारे पास 4 टाइप्स के जो हीटर हैं, जिन 3 टाइप्स के हाउसेस में हम यूज करते हैं, उसकी कंजप्शन, तो इसका भी तो एक मैट्रिक्स बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेंगे एक मैट्रिक्स में। जी स्टूडेंट, आइए अब हम इस डेटा को फोकस करते हैं। ओके, अगर आप इस डेटा में देखें तो जो 4 टाइप्स के रेडिएटर हैं, उनकी कंजप्शन तीनों टाइप्स के हाउसेस में वो क्या है, उसका रेशियो डिफाइन। A small house needs 3 radiators of type A, 2 of type B and 2 of type C. Simple, एक small house जब बनता है ना, तो 3 radiator type A के लगते हैं, 2 type B के radiator उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, और 2 type C के। अब अगर आप ये कंफ्यूज है कि टाइप बी का जिक्र नहीं, तो इसका यही मतलब है टाइप बी का रेडिएटर स्मॉल हाउस में इस्तेमाल नहीं होता है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड सेंटेंस को पढ़ू, A medium sized house needs 2 radiators of type A, 3 of type C and 3 of type D. आसान लफ्जों में जब एक मीडियम साइज का हाउस बनता है तो उसकी जरूरत है टाइप ए के 2 रेडिएटर्स लगेंगे, टाइप सी के 3 रेडिएटर्स लगेंगे एंड टाइप डी के 3 रेडिएटर्स लगेंगे। और बिल्कुल आपने ठीक समझा कि टाइप बी का कोई रेडिएटर इस्तेमाल नहीं होता, तो इसके लिए मैट्रिक्स में हम नंबर 0 का इस्तेमाल। लास्ट, अ लार्ज हाउस नीड्स 1 रेडिएटर ऑफ टाइप बी, 6 of type C एंड 3 of type D। आसान और सिंपल लैंग्वेज में टाइप बी का 1 रेडिएटर इस्तेमाल होता है लार्ज हाउस के बनने में, टाइप सी का 6 और टाइप डी का 3, और टाइप ए का कोई रेडिएटर इस्तेमाल नहीं होता। तो इसका मतलब अब हम एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हम 4 टाइप्स के रेडिएटर, 3 टाइप्स के जो हाउसेस में यूज हो रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करें। तो ये मैंने इस मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और अगर आप जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हमने लिखा है, हेयर वी शैल डिजाइन अ मैट्रिक्स फॉर द यूज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ रेडिएटर्स इन 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस। ओके जी, देखें अब पहले हम बात कर चुके हैं कि जो डिजाइन करना है वो हमारे ऊपर है। तो अभी मैंने ये किया है आपके पास, क्योंकि मैंने इसको 1/4 में लिखा था, तो आप नोट करें 1/4 में इसलिए कि रेडिएटर ए की कॉस्ट $30 थी, रेडिएटर बी की कॉस्ट $40 थी, रेडिएटर सी की कॉस्ट $50 थी, रेडिएटर डी की कॉस्ट $80 थी, ठीक है जी। तो हमने क्या किया है कि रोज में रेडिएटर्स के टाइप रिप्रेजेंट कर, ये जो आप कॉलम में एस देख रहे हैं इसका मतलब स्मॉल हाउस में उसका इस्तेमाल, एम का मतलब मीडियम हाउस में उस टाइप ऑफ रेडिएटर का इस्तेमाल, और लार्ज में। अगर आप दोनों स्टेटमेंट को दोबारा जाकर देखें तो एक स्मॉल हाउस के लिए टाइप ए के 3 रेडिएटर का इस्तेमाल हो रहा है, टाइप बी के लिए 2 और टाइप सी के लिए 2, टाइप डी का जिक्र नहीं था, तो इसका मतलब ये 0 होगा आपके पास। इसी तरीके से आपके पास मीडियम में 2 रेडिएटर टाइप ए के इस्तेमाल होते हैं, बी का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज 0। 3 टाइप्स ऑफ रेडिएटर विल यूज ऑफ टाइप सी और 3 जो है आपके टाइप डी के इस्तेमाल होंगे, और लार्ज हाउस का नंबर 0, 1, 6। तो उम्मीद है आपको मैट्रिक्स समझ आया, पर अगर आप जरा ध्यान से देखें तो आपके पास 1
टू थ्री फोर, तो 4 रोज हैं। और अगर मैं कॉलम की बात करूं तो 1 2 3, ये मैंने नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट किया है। और मैंने यहाँ पे इसको वाई के नाम से दे दिया, मैं डिफरेंट नाम यूज कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो अब मैं कहूँ जी इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर जो है आपके पास 4 बाय 3 है। ऑर्डर को मैं बता दूँ, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, और आपने एन बाय एन करके ऑलरेडी बराबर ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये सेकेंड स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया हो आसानी से। जी स्टूडेंट, तो जो पिछली वीडियो है उसमें जो हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स जो बनेगा तो उसकी कुछ चीज़ें मिसिंग रह गई, तो मैं आपको इस सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखें, ये जो था ना कि बिल्डर बायज रेडिएटर्स फॉर ऑल दी हाउसेस ऑफ द न्यू स्टेट, देयर आर 20 स्मॉल हाउसेस, 30 मीडियम साइज हाउसेस एंड 15 लार्ज हाउसेस। तो अब आप इसका भी एक मैट्रिक्स बना लें, और ये जो आप मैट्रिक्स बनाएंगे इसको आप जेड से डिनोट कर दें। ठीक है, तो हम आते हैं इसकी तरफ, अपने काम की तरफ, ये कि जिसमें हमने मेंशन करना है जेड मैट्रिक्स को। तो अगर मैं कहूँ जेड मैट्रिक्स, तो जेड मैट्रिक्स अगर आप नोट करें, आप इसको इस तरह लिखें जिस तरह से हमने जो पहले स्ट्रक्चर लिखा था, तो उसके हिसाब से ये बेटर है। 20 स्मॉल हाउसेस हैं, 30 मीडियम साइज एंड 15 आपके पास लार्ज हाउसेस। तो ये आपके पास स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज हाउसेस। अब आपके पास ये तीनों मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अगर मैं एक्स मैट्रिक्स की बात करूं तो एक्स आपको याद होगा, एक्स हमारा कॉस्ट से रिलेटेड था फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएटर। तो $30 फर्स्ट टाइप ए का था, $40 टाइप बी की कॉस्ट थी, $50 टाइप सी की, एंड $80 आपके पास टाइप डी की कॉस्ट।
कॉस्ट, और आपने जो वाई मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन थी वो ये था कि आपके पास कि जी वो जो आपके पास चार टाइप्स के रेडिएटर्स हैं, ए बी सी डी, और आपके पास जो वो स्मॉल मीडियम एंड लार्ज हाउसेस में उनकी जो कंजप्शन थी उसके हवाले से आपका डेटा था। तो ये डेटा आप यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं, जिसमें 3220 जो कि इंडिकेट आपको कर रहा था कि स्मॉल हाउस में रेडिएटर ऑफ टाइप ए 3 इस्तेमाल हो रहा है, टाइप बी वाला 2 रेडिएटर है, टाइप सी वाला 2, और टाइप डी का कोई रेडिएटर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सिमिलरली बाकी साइज ऑफ हाउसेस के लिए इंफॉर्मेशन है 2033, और आपके पास जो लास्ट के लिए 0 1 6 एंड 3। अब अगर मैं आपसे कहूँ अच्छा जी मुझे एक्स और वाई से क्या मिलेगा, तो एक्स और वाई जब आप परफॉर्म कर लेंगे तो इससे आपको हर एक स्मॉल मीडियम और लार्ज हाउस की कॉस्ट मिलेगी। तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, आप ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लें, इस मल्टीप्लिकेशन से आपको रिजल्ट मिलेगा 270। यानी एक स्मॉल हाउस में जो आपके पास 3 टाइप ए का रेडिएटर लग रहे हैं, 2 टाइप बी के और 2 टाइप सी के, डी का कोई नहीं लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट 270 होगी। इसी तरीके से एक मीडियम हाउस में जो जितने भी रेडिएटर्स लग रहे हैं आपके पास उसकी कॉस्ट आएगी 450, और एक लार्ज हाउस में जो लग रहा है उसकी कॉस्ट आएगी आपके पास 580। ठीक है जी, तो इससे आप कह सकते हैं कि जी वन स्मॉल जो आपका हाउस है उसमें रेडिएटर की कॉस्ट आएगी। ये नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है, वन मीडियम जो हमारा हाउस है मीडियम साइज का उसकी कॉस्ट $450 है, और एक जो हमारे पास लार्ज हाउस है उसमें रेडिएटर की कॉस्ट जो आ रही है वो 550। तो अब हमने ये करना है कि एक्स वाई का जो रिजल्ट है आपके पास, इस एक्स वाई के रिजल्ट को हमने क्या करना है, जेड से मल्टीप्लाई कर देना है। और आपको पता होगा कि अच्छा जी जेड जो था वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा था हर टाइप के हाउसेस की तादाद को, तो आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा जी इसका जो हमारा रिजल्ट है 270, 450, 580, और हम अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास की जेड से, जेड की एंट्रीज हैं 20, 30 एंड 15, और फाइनली जब आप ये मल्टीप्लाई कर देंगे देख सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि अच्छा जी इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर 1/3 है, इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 3/1 है, आपके पास फाइनली 1/1 का मैट्रिक्स आएगा जिसमें आपका रिजल्ट होगा 27,600। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये एक्स इंटू वाई और फर्दर जेड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ रेडिएटर को रिप्रेजेंट आपके पास करता है। तो उम्मीद है आपके पास अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैट्रिक्स अलजेब्रा से रिलेटेड एप्लीकेशन क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन को कैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट में रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। अल्लाह हाफिज़।